أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تهتدون ما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون لطف الہی ہے ہدایت اور جو طریقہ ہدایت کا اس لطیف و خبیر نے انسانیت کے لیے پسند کیا وہ اس نوع کے لیے اتنا سازگار تھا اتنا مناسب تھا کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہدایت تصور ہی میں نہیں آ سکتا انبیاء بھیجے انسانوں ہی میں سے انبیاء کو اپنی طرف سے اختیار عطا کر کے بھیجا ان کو مصطفیٰ بنایا صاحب قوت بنایا صاحب طاقت بنایا اور اس کے بعد جب انبیاء آئے تو ہر نبی نے اس کے پیغام کو ایک منزل تک پہنچایا تاکہ دوسرے آنے والے نبی کے لیے پیغام کو آگے بڑھانے میں سہولت ہو. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نوع انسانی ایک مدرسے میں ہے، ایک جماعت سے دوسری جماعت تک مسلسل انسانوں کو فکر کی ترقی عطا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ انبیاء کے خاتمے پر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اور انہوں نے اس منزل ہدایت پر پہنچ کر اللہ کا آخری پیغام سنایا اور فرمایا کہ اب رسالت ختم ہوئی، نبوت ختم ہوئی، کوئی خبر باقی نہیں ہے، صرف تفصیل رہی جاتی ہے، تو اس کا بھی ایک دور ہوگا. اس دور تفصیل کے لیے
और इस हिफाजत किताब के लिए और उस दौरे तदवीन व इज्तिहाद के लिए मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत, इससे होशियार रहना। ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, ये एक दूसरे के हम मिजाज हैं, हम ज़ौक हैं, एक दूसरे को बेहतर पहचानते हैं, इसलिए इनमें जुदाई नहीं होगी यहाँ तक कि ये वारिद होंगे मेरे पास हौज़े कौसर तक। ये फरमा कर आपने उम्मत को इस अम्र की हिदायत दी कि सुबह से शाम तक अपने वाजिब फराइज में 5 मरतबा पुकारते रहो कि परवरदिगार हमको सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, परवरदिगार हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा, परवरदिगार तेरे सिवा कोई और हिदायत नहीं कर सकता। ये नहीं कि हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं हैं, मगर इसलिए कि सिरात मुस्तकीम पर बहकाने वाले भी बहुत से मिल जाते हैं, इसलिए परवरदिगार तेरी रहनुमाई, तेरी निगाह मकरमत और तेरे औलिया और तेरे अंबिया के तवज्जुहात फिरावा की जरूरत है, इसलिए मालिक एहदना सिरात अल मुस्तकीम, हमको सिरात मुस्तकीम की न सिर्फ हिदायत फरमा बल्कि उस पर बाकी रख, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया है उनका रास्ता नहीं कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ हो या इताब आ चुका हो। यह दुआ हम सुबह मसाज सुबह शाम हर वक्त जब कभी अपने फरीजे को अदा करते हैं, जोहर व असर बराबर पढ़ते हैं और चाहते ये हैं कि यह दुआ हमारी कबूल हो जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एक ऐसी राह पर हैं, एक ऐसी राह पर हैं जहां कदम कदम पर चिराग जल रहे हैं, जहाँ कदम कदम पर रोशनी जगमगा रही है, जहाँ ऐसा मालूम होता है कि अगर किसी मकाम पे हज़्ब जरूरत रोशनी की जरूरत है तो वहाँ कोई मुश्तहिद का चराग जल रहा है, किसी आलिम का चराग जल रहा है, अगर किसी और ज्यादा रोशनी की जरूरत है तो किसी वली का चराग जल रहा है, अगर कुछ और रोशनी चाहिए किसी शहीद का चराग जल रहा है, अगर और रोशनी की जरूरत है तो जगह जगह चरागों ने इमामत से दुनिया रोशन है, और इस तरह से यहां से वहां तक रोशनी ही रोशनी है, रोशनी ही रोशनी है, चराग से चराग रोशन होता है, इस तरह से चराग से चराग को रोशन करने में कोई कमी और कोई कोताही किसी चराग में नहीं होती, एक चराग से दूसरा चराग जलता है, ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम, इसी तरह से एक ज़ुर्रियत दूसरे की ज़ुर्रियत से पैदा होती जा रही है, अल्लाह सुनने वाला भी है और अलीम भी है। यह रोशनियां जाहिर है कि एक अल्लाह की नेमत है और जिनको ये रोशनी अता हुई है उनके लिए तो रोशनी है, मगर इस रोशनी के बावजूद जिनको कुछ नजर ना आए वो रोशनी का कसूर नहीं है बल्कि उनकी अपनी कोताही है, उनकी अपनी नाबीनाई है, उनकी अपनी तारीकी कल्ब है कि वो रोशनी को नहीं देखते, रोशनी को नहीं समझते, हालांकि उन्हीं की रोशनी से आलम इस्लाम रोशन है। अगर उनका नाम न हो तो आज न ये दीन रहे, न ये आईन रहे, न ये मकाम रहे, न ये नाम रहे, बहरहाल ये उन्हीं की वजह से ये सब कुछ आलम इस्लाम में रोशनी नजर आती है। मैंने कल तक सिलसिला कलाम को जहां खत्म किया था वहीं से फिर शुरू कर रहा हूं कि कलमे तैयबा में यकीनन यकीनन दो अज्जा बड़े अहम हैं, एक उसके एक होने की शहादत, दूसरे अल्लाह का एक रसूल
कि जो हमारे पास आया उसके उसकी रिसालत की शहादत, ये दोनों बड़े अहम अम्र हैं। मगर जब हम शहादतों का ऐलान करते हैं तो शहादतैन का ऐलान नहीं करते, शहादात का ऐलान करते हैं। और कुरान मजीद में शहादतैन नहीं है, वबिश्शहादाते हुम कायमून है, कि मोमिन वो है जो शहादात पे कायम हो। शहादतैन तस्निया है, शहादात जमा है, उसमें लाजमन तीन चाहिए, कम अज कम तीन गवाहियां। इसलिए हुक्म हुआ कि मोमिन वो है जो शहादात पे कायम हो। इसलिए हमने खुदा के एक होने की गवाही दी, खत्मी मर्तबत के रसूल होने की गवाही दी, और इस सिलसिले हिदायत के लिए एक सिंबलिज्म को पसंद किया, एक रमजियत को पसंद किया, एक निशान को पसंद किया, और उसके बाद उसको एक ही नाम से पुकारा। जगह जगह बदलने की जरूरत नहीं। हम गवाही देते हैं कि हसन वली खुदा है, हम गवाही देते हैं कि हुसैन वली खुदा है, हम गवाही देते हैं कि जैनुल आबिदीन वली खुदा है, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद बाकर वली खुदा है। इतने बहुत से नाम लेने की जरूरत नहीं, एक अली कह दिया तो सब आ गए। बहरहाल ये गुफ्तगु कल थी, तो अब मैं फिर अपनी किसी तकरीर से एक लफ्ज को मुस्तार ले रहा हूं, और वो बल्कि जुमला ही शायद दोहराया जाएगा कि अब अली एक शख्स का नाम नहीं है, अली एक फर्द का नाम नहीं है, अली सिर्फ एक जात का नाम नहीं है, अली एक सिलसिले का नाम है, अली एक सिलसिले का नाम है। और इस सिलसिले में हसन से हसन तक, हसन से हसन तक आप हुज्जतों को देखेंगे। और जब दौरे गैबत शुरू हो गया तो उस वक्त पता चला कि ये भी उसी का एक रुख है, उसी का एक जलवा है, जिसके मुताल्लिक कल गुफ्तगू शुरू होगी। आज अबू मोहम्मद हसन अस्करी के मुताल्लिक गुफ्तगू है, और कल गुफ्तगु हजरत हुज्जत के मुताल्लिक होगी। इसलिए कल की तकरीर के लिए उस हिस्से को छोड़ देते हैं कि वो मकाम गैबत व जहूर क्या है, मकाम शहूद व गैब क्या है, मकाम हुजूर व गैब क्या है, इस पर कल गुफ्तगु हो। आज यही अर्ज करना था कि अगर अली नाम है एक सिलसिले का, एक सिलसिले का, तो हसन से हसन तक किसी में किसी मकाम पर कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगरचे सिनो साल अलग अलग हैं, इसमें किसी का सिन 25 बरस का है, इसमें किसी का सिन 28 बरस का है, इसमें किसी का सिन 42 बरस का है, इसमें किसी का सिन 63 बरस का है, इसमें किसी को खैबर में जाना पड़ा है, इसमें किसी को खंडक में आना पड़ा है, मगर इसके बावजूद अगर किसी ने सुर्रमनरा की कैद में बैठकर अपनी हुज्जतों का तमाम किया है तो उसमें भी उतनी ही शुजाअत है जितनी अली इब्ने अबी तालिब ने की। कितने शुजा हैं इमाम हसन अस्करी, कितने शुजा हैं। 28 बरस का कुल सिन है, 232 हिजरी में विलादत है, 260 हिजरी में शहादत है, 6 बरस की मुद्दत इमामत है। इस दौरान में मौर्रखीन कहते हैं कि हमने इस इमाम से ज्यादा किसी को मसरूफ नहीं पाया। सुबह से शाम तक बराबर खतों के जवाबात देते थे, मसाइल के जवाबात तहरीर फरमाते थे, मुसलसल बारियादियां होती थीं, कैद ही में लोग मिलने के लिए आते थे, मसाइल पूछते थे, कैद की जहमतों को देखते थे, ताज्जुब करते थे,
और ये भी ताज्जुब करते थे कि जिस किसी को इमाम हसन अस्करी पर मुअय्यन किया सख्ती के लिए, दो चार दिन के बाद हाकिम ने यह देखा कि खुद वो सामने खड़ा हुआ रो रहा है, बेख्तियार कर या उजारी कर रहा है, और इमाम जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं उसके बाद फिर वो नमाज और दुआओं में मशगूल हो जाता है। हाकिम ने बुला के पूछा, तुम लोगों का क्या हाल है, हालांकि तुम अरब नहीं हो, हमने तुमको एक अलाहिदा कौम से लिया था इनके निगरानी के लिए, का क्या करें, दिल खिंच रहे हैं उस मासूम की तरफ, उस इमाम की तरफ कि जिसको देखकर बेख्तियार यही दिल चाहता है कि बस इसी तरह से नमाज पढ़ें, इसी तरह से रोजे रखें, इसी तरह से रात भर जागें, इसी तरह से दिन भर जिक्र करें। ये मंजिल इमाम हसन अस्करी की थी। मैंने यह चाहा है कि चंद उमूर आप पर हमेशा वादे रहें, और इस सिलसिले में फिर एक बात जो उसूल काफी से ली गई है वो मोहताज तफसील तो नहीं है, मगर सिर्फ याद दही के लिए उसको दोहराना चाहिए, और वो ये कि मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने उसूल अकायद में इस अमर को वाज़ह कर दिया है कि आपका ये अकीदा होना चाहिए कि सारे इमाम तीन चीजों में बराबर हैं, सारे इमाम तीन चीजों में बराबर हैं, इताअत इलाही में, इल्म में, शुजात में, सब के सब बराबर हैं। इनकी शुजात वाकई शुजात है, ये नहीं कि पहलवान के मुकाबले पे जाके खड़े हो जाना है, नहीं, सारी दुनिया के मुकाबले में अकेले खड़े होना है। फलसफा अपना जोर दिखला रहा है, सूफिया इकराम अपना जोर दिखला रहे हैं, बादशाह खुजात की सरपरस्ती कर रहे हैं, मकातिब फिकी अपना काम कर रहे हैं, और फिर ऐसे में वाकफिया, कैसानिया, हल्लाजिया, मंसूरिया, मुख्तलिफ फिरके बाहर पैदा हो चुके हैं, घर ही में और भी ऐसे फिरके पैदा हो गए कि कोई अली इब्न हुसैन पे आके रुक गया, कोई इमाम सादिक पे आके रुक गया, कोई मूसा इब्न जाफर पे आके रुक गया। तो इस तरह से इन तमाम उमूर के बावजूद इतनी कुव्वत दिल के साथ इस कारवान को लेके आगे बढ़ना कि जहां हमारे पास इतने मसाइल और इतने नुसूस जमा हो जाएं, ये उन्हीं इंसानों का काम है कि जिनकी शुजात या मोहम्मद में पाई गई या अली में पाई गई। नारे सलवात, इताअत में सब एक, शुजात में सब एक, इल्म में सब एक, नहीं हर सिफत में सब एक, हर सिफत में सब एक, यानी अगर सकावत ही का तस्करा किया जाए, सकावत ही का तस्करा किया जाए, तो इसलिए नहीं कि ये तस्करे बार बार नहीं होते, बल्कि इसलिए कि आपको याद रखना चाहिए। मीर अनीस से पहले ही मर्सिया गोई शुरू हो चुकी थी, और मीर अनीस से पहले मुतकद्दमीन में से किसी मशहूर शायर ने हजरत अली असगर के हाल का एक मर्सिया लिखा, हजरत अली असगर के हाल का एक मर्सिया लिखा, और उसको बहर कफीफ में लिखा, छोटी बहर में लिखा, और उसका मतलब यह था मर्सिये का, जहां से पढ़ूंगा मैं वो तो जाहिर है, मगर उसका मतलब यह था कि हुसैन इब्न अली असगर को लेके मैदान में आए और तआरुफ करवाया कि तुम पहचानते हो कि यह बच्चा कौन है, तुम पहचानते हो कि बच्चा कौन है। मैं सखावत के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा हूं, और ये कोटेशन जो आपको दे रहा हूं वो सखावत ही के सिलसिले का है। और तो ये मशहूर मर्सिया है, रन में अबरू का मां की आमद है, मशहूर मर्सिया है, रन में अबरू का मां की आमद है, और उस मंजिल पे पहुंच के हुसैन इब्न अली की जबान से ये अल्फाज निकलवाए शायर ने, सब पे जाहिर है इसके जद का हाल, साइले कोर ने किया जो सवाल, नांदे शह खुदिस्ता खिसाल,
बोले खंबर से आप नान निकाल, भूखा है अब न देर कर खंबर, जल्द साहिल को सेर कर खंबर। बोला वो यानी खंबर, बोला वो नान है शुतर पर भार, का दे उस शुतर की उसको मैं हार। बोला वो है शुतर मियां ने कतार, कहा दे दे कतार दे सकता। ये मुतकद्दमीन का रंग है, याद रखने के काबिल है, सबसे जाहिर है इसके जद का हाल। साहिले कोर ने किया जो सवाल, नांदे है शह कुजिस का खिसाल। बोले खंबर से आप नान निकाल, भूखा है अब न देर कर खंबर, जल्द साहिल को सेर कर खंबर। बोला वो नान है शुतर पर बार, बोले दे उस शुतर की उसको मैं हार। बोला वो है शुतर मियां ने कतार, कहा दे दे कतार बे तकरार। सुन के ये हुक्म मीरे कौसर का, छोड़कर रेसमान को सरका, छोड़कर रेसमान को सरका। पूछा मौला ने क्या सबब इसका, अर्थ की दिल में अपने मैं समझा, बहरे बख्शिश है जोश पर तेरा, मुझको दे दो तो क्या करूं मौला। सुनते ही हुक्म मीरे कौसर का, छोड़कर रेसमान को सरका। पूछा मौला ने क्या सबब इसका, अर्ज की दिल में अपने मैं समझा, बहरे बख्शिश है जोश पर तेरा, मुझको दे दो तो क्या करूं मौला। ऐसे फैयाज का ये पोता है, ये मिसरे की मंजिल थी, ऐसे फैयाज का ये पोता है, जान पानी बगैर खोता है। ऐसे फैयाज का ये पोता, जान पानी बगैर खोता है। खंबर डर गए कि अगर ये मिहार हाथ से नहीं छूटती तो आप साहिल से कहीं ये न कहते कि इसको भी ले जा। दिल में अपने मैं समझा, बहरे बख्शिश है जोश पर तेरा, मुझको दे दो तो क्या करूं मौला। ऐसे फैयाज का ये पोता है, जान पानी बगैर खोता है। सखावत इनके घर की सखावत, सखावत इनके घर की सखावत। हजरत मूसा बिन जाफर की औलाद, इमाम जाफर सादिक की औलाद में एक बुजुर्ग थे, हुसैन इब्ने मोहम्मद। हुसैन इब्ने मोहम्मद, उनके दादा का नाम था इस्माइल, और फिर यही नाम की तकरार हुई यहां तक के उनका नसब इमाम सादिक तक पहुंचा। यह दौर में थे इमाम हसन अस्करी के। एक दिन हुसैन इब्ने मोहम्मद कहने लगे अपने बेटे से कि सामर्रे में इमाम हसन अस्करी कैद हैं, इनके पास चलें। चलें जाहिर है कि कैद में कोई क्या सखावत करेगा, मगर दिल चाहता है कि इनसे कुछ मांगें हमारी खस्ता हाली के लिए और हमारी रहमतों के लिए। मुमकिन है कोई सामान हो जाए, मुझे शदीद जरूरत है, शदीद जरूरत है 500 दिरहम की, और मैं चाहता था कि कुछ कर्ज है वो अदा करूं, कुछ कपड़े बनाऊं और फिर कुछ थोड़ा सा अपने नफके के लिए रख लूं। तो बेटे ने बाप से कहा कि मुझे भी चाहिए कुछ 300 दिरहम, मैं चाहता था कि एक हिमार खरीदूं, कुछ सामान लूं और इस तरह से छोटी सी तिजारत का आगाज करूं। बाप बेटे दोनों मिलके दरवाजे पर पहुंचे, खादिम से कहा जाके कहो कि हम मिलने के लिए आए हैं। तो खादिम ने जवाब दिया, इमाम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इमाम हसन अस्करी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये दोनों कहते हैं हम परेशान हाल के इमाम इंतजार कर रहे हैं। अंदर पहुंचे तो हमारी सूरत देखी और कहा तुम कुछ और ज्यादा सोचते, तुम कुछ और ज्यादा मांगना चाहते, तुमने कम मांगा। ये कह के अपने जानमाज से दो सुर्रे निकाले, बाप को 500 दिरहम दिए, बेटे को 300 दिरहम दिए, कहा तुमने यही चाहा था, कैद में यही मैसर है, ले जाओ ले जाओ।
तो दोनों बाप बेटे रोते हुए कदमों से लिपट गए। कहा मौला इस वक्त भी आपका यह हाल है? क्या फरमाया हमने कभी साहिल को वापस नहीं फेरा। हमने कभी साहिल को वापस नहीं फेरा है तो आपने देखा अली से हम अगर नजदीक हैं तो इसीलिए नजदीक हैं कि ये एक सिलसिले का नाम है और फिर इस सिलसिले में जितने हैं सब के सब सिफात में अपने कैफियात में अपने मनाकिब में अपने इबादात में अपने आदात में एकसानियत रखते हैं और वो एकसानियत आम तौर पर काबिले जिक्र नहीं है। इसलिए ये मारिफ है कि इनको अपने दिल में जगह दीजिए उनकी हिफाजत कीजिए। अजीजान ग्रामी जैसा कि मैंने अर्ज किया अब जमाना करीब था। इमाम अली नकी जब तक जिंदा थे आपने आम तौर पर मिलना जुलना तर्क कर दिया था, यानी जो कोई आए वो कादिम के जरिए से काम ले या नायब के जरिए से काम ले, बहुत कम बाहर निकलते थे। लोग पूछते भी थे फतंद रसूल क्या बात है, क्या मना ही है, क्या आप बाहर नहीं निकलना चाहते? इशाद फरमाया नहीं, मैं चाहता हूं कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हमारी जरूरत कम होती जाए। जब इमाम हसन अस्करी का दौर आया तो आपने बिल्कुल निकलना बंद कर दिया और जितने कारोबार हुए सब नवाब के जरिए से हुए। एक या दो मर्तबा पूरी जिंदगी में बाहर तशरीफ ले गए हैं दरबार जबकि बुलवाया गया है, वरना इमाम बाहर नहीं आए। और वो दो मर्तबा भी इस तरह से बुलाया गया कि एक वक्त तो दरिंदों के अहाते में इमाम को फेंक दिया गया ये समझ के कि दरिंदे फाड़ खाएंगे, मगर जब इमाम वहां पहुंच गए दरिंदों ने अपनी पेशानियां कदमों पर मलना शुरू की, यानी ये बतलाते हुए कि फातिमा की जान आपका गोश्त हम पे हराम है, आपका गोश्त हम पे हराम है। दूसरी मरतबा भी इसी किस्म से कोई अजियत देने वाला वाकया दरपेश था। बहरहाल इमाम कभी बाहर नहीं तशरीफ लाए, वहीं रहे। रावी कहता है 8 बरस की कैद कयामत की कैद थी, कयामत की कैद थी, 8 बरस की कैद कयामत की कैद थी। ये अल्फाज याद रखिए, 2 बरस अपने पदरे ग्रामी के साथ आखिरी जमाने में और 6 बरस की इमामत। इसमें रावी कहता है आकर के 6 बरस तो ऐसे गुजरे कि पादशाह ने अपने महल के नीचे एक छोटा सा मकाम बनाया था कि जहां अगर दुश्मन की फौजें कभी हमला कर दें तो पादशाह आके वहां सांस ले और वहां से कश्ती में बैठकर दरिया के रास्ते फरार इख्तियार करे। तो इस छोटे से कमरे का यह हाल था कि इसमें आदमी मुश्किल से खड़े हो सकता था, यानी इमाम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे। इसमें मेरे मौला 6 बरस कैद रहे, 6 बरस कैद रहे। और इस तरह से इमाम हसन अस्करी की जिंदगी आईने इबरत बन गई। आपको याद है कि आप जब नजफ की जियारत को जाते हैं, जब अमीर मोमिन की जियारत को जाते हैं तो वहां से आप सलाम करते हैं फरजंदे रसूल पर मुड़ के अमीर मोमिन के सरहाने खड़े होके आप मुड़ जाते हैं करबला की तरफ और वहां से जियारत करते हैं कि अशहदु लकद तैयबल्लाहु बिकत तुराब, हुसैन मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ने तेरी वजह से मिट्टी को पाक किया। वह औजह बेकल किताब, मौला मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ने तेरी वजह से किताब की तफसील दी। अशहदु लकद तैयबल्लाहु बिकत तुराब वह औजह बेकल किताब वह जालका वह अबाक वो जद्द का वो अखाक वो बनीक इबरतन लिउलिल अल्बाब, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ने तेरे जद को तेरे बाप को तेरे भाई को तेरी औलाद को साहिबान अक्ल के लिए एक आईना फिक्र बना दिया।
एक आईने गौर और फिक्र बना दिया कि उनकी जिंदगियों में हमको कुछ नजर आए। इब्रतन इब्रत आईना इब्रतन लौली ललबाव यबनल मयामीन लतियाब। अय मुबारक इंसानों की औलाद, अय पाक इंसानों की औलाद, ये अमीर उम्मीन के सराहने से ये जियारत हुसैन इब्न अली की पढ़ी जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि अल्लाह ने तुझे, तेरे जद को, तेरे बाप को, तेरे भाई को, तेरी औलाद को साहिबान अक्ल के लिए इबरत बना दिया। तो ये वो मंजिल है कि आखिरी फर्जन तक अगर उनकी जिंदगी आपके पेश नजर रहे तो पता चलेगा कि इबरत ही इबरत है। इमाम हसन अस्करी के दौर तक ऐसा मालूम होता है कि मसाहिब इतने ज्यादा हो चुके थे कि मुसलसल घर की निगरानी हो रही थी, और इतनी सख्त निगरानी हो रही थी कि पादशाह को इसका इल्म था कि इनके जद की हदीस है कि कुरैश में बनी हाशिम में इस घराने में 12 इमाम होंगे, 11 आ चुके हैं, 12वें का इंतजार है। इस वास्ते अब जो फर्जंद पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। निगरानी शुरू हो गई कि इमाम के घर में जितनी कनीजें हैं उनका क्या हाल है, कौन साहिब औलाद है, कौन हामिला है। बहरहाल ये तमाम निगरानी के अहवाल जारी थे और बड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी। ऐसे मौके पर एक दिन रावी बयान करता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने कैदखाने से हरकत की, तशरीफ लाए अहमद इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने काकान के पास जो वजीर था मुवफ़क का, और जैसे ही आपके आने की इत्तला मिली उसने बेख्तियार दौड़ कर आगे बढ़ के आपका इस्तकबाल किया। अब आपको अपने तख्त पर दाहने जानिब जगह दी, हाथों को बोसा दिया, पैरों पर सर रखा, फरजंदे रसूल आपने कैसे जहमत की। इरशाद फरमाया, अहमद इब्ने अब्दुल्लाह मेरा घर सुरमनरा नहीं है, मेरा घर मदीना है। बड़ी हसरत है मेरी कि मैं वापस जाऊं अपने जद के रोजे को देखूं, बड़ी हसरत है कि मैं अपने घर वालों को देखूं, अपने अजीजों को देखूं। क्या यह मुमकिन नहीं है कि पातशाह से तू गुफ्तगू करे। और हाँ, मैं ये भी कहने के लिए आया कि मदीने में मेरे अजीजों पर सख्ती बहुत है, मेरे अजीजों पर काफी जिंदगी को तंग किया जा रहा है, अगर हो सके तो इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि इनको मुसलसल बैतुल माल से कुछ मिलता रहे। उसने अर्ज की, फरजंद रसूल यह काम तो अभी हुआ जाता है, यह गुफ्तगू हो ही रही थी कि एक मरतबा ऐलान कर दिया गया कि वजीर से मिलने के लिए पातशाह खुद आ रहा है। वजीर ने अपने जगह से हरकत नहीं की जब तक कि वह पर्दे तक नहीं आया। पातशाह पर्दे तक पहुंचा, उसने अर्ज की, फरजंद रसूल आप इस रास्ते पर तशरीफ ले जाए। इमाम इधर से चले, अहमद इब्ने उबैद इब्ने काकान का बेटा बयान करता है कि मैं वो सारा दिन परेशानी के आलम में गुजारता रहा कि आखिर ये कौन शख्स था जिसकी बाप ने इतनी इज्जत की, जिसकी मेरे बाप ने इतनी ताजीम की, और पातशाह के आने का भी उसने ख्याल नहीं किया, पातशाह के आने पर भी उसने एतना नहीं की। जब रात हुई और वो अपने कारोबार में मसरूफ हो गया वजीर, तो बेटे ने कहा मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहा क्या पूछना है? कहा वो कौन था जो सुबह को आया और जिसकी आपने ताजीम की? उसने कहा वो है कि जिसका हक है ये सल्तनत, जिसका हक है ये हुकूमत, वो है कि जिसके लिए हम सब पैदा किए गए हैं, वो है कि जिसको तू नहीं पहचानता। ये मोहम्मद की रूह है, ये मोहम्मद की जान है, ये मोहम्मद की हकीकत है जो आज जिसने हमारे घर में खदम रंजा किया था। मैंने मुवफ़क़ से कहा कि भेज दे इमाम को मदीना, मगर वो राजी नहीं होता। वो तो इस बात से अड़ा हुआ है कि किसी सूरत इमाम को कोई सदमा पहुंचाया जाए और किसी सूरत इमाम को कोई दुख पहुंचे, और इस तरह से वो चाहता है कि इनका रिश्ता हयात ही मुनक़ता हो जाए। ये कह के अहमद इब्ने उबैद इब्ने काकान ने रोना शुरू कर दिया।
कुछ दिन न गुजरे थे कि एक मर्तबा इमाम के घर से वजीर को यह इत्तला मिली कि एकाएक इमाम बीमार हो गए। वजीर देखने के लिए गया तो इमाम ने आंखें खोली और कहा, आखिर वही हुआ ना, मैं मदीना जाना चाहता था मगर मुझे जहर दे दिया गया, बड़ा शदीद जहर दिया गया। आखिर इस गरीबुल वतनी के आलम में, इस बेकसी के आलम में कौन है जो हमारी देख रेख करे, कौन है जो हमारी निगरानी करे। अहमद इब्ने उबैद इब्ने मुवफ़क बयान करता है, मैं इमाम के इन जुमलों से कांप उठा और मैं घबरा गया। मैंने कादिम से पूछा, क्या घर में कोई नहीं है? कहा, कोई नहीं है, सिर्फ एक बीबी थी और एक छोटा सा बच्चा था 4 बरस का, तो उसको भी कुछ देर पहले यह कह के रुख्सत कर दिया कि मेरे जद अब्बास की औलाद में एक शख्स सामर्रे में रहता है, वो इस बच्चे की हिफाजत करेगा। यह कह के अपनी बीबी को रुख्सत कर दिया और भिजवा दिया। और उसके बाद रावी कहता है कि इमाम ने फर्श को उलट दिया, मिट्टी पे अल्लाह का शुक्र का सजदा अदा किया और आखिरी सजदे में माबूद से राज़ो नियाज़ किए। और यहाँ पातशाह वक्त ने तमाम शहर के काजियों को भेजा, तमाम शहर के उलमा को भेजा कि जाके एक बयान जारी करो कि इमाम तबई मौत से इंतकाल कर गए, उनको कोई जहमत नहीं दी गई, जिसको देखना है वो आके देख ले, किसकी मजाल थी जो आके देखता पातशाह के हुक्म के खिलाफ। अल्लाह, ये बेकसी थी, ये बेकसी थी जहां दौरे इमामत खत्म हुआ है, ये बेकसी थी जहां दौरे इमामत खत्म हुआ है। ये आपके इमाम हैं हसन अस्करी सलावातुल्लाहि व सलामहु अलैह। रावी बयान करता है कि बेअख्तियार बेअख्तियार आपने आयात कलाम इलाही की तिलावत शुरू की, सूरह वाकया की तिलावत की, और उसके बाद एक मंजिल पर पहुंचे, आंखें बंद की और 3 मरतबा आवाज दी, बेटा काश तुम होते, बेटा काश तुम होते। तो ऐसा मालूम होता है कि यह एक ऐसा मासूम है कि जिसका बेटा वक्त मौत उसके करीब न था, वक्त मर्ग उसके करीब न था। मैंने कभी अर्ज किया है हमारे आइम्मा की जिंदगी में कि हर इमाम ने, वो किसी सिन में उसने इंतकाल पाया हो, अपने बेटे को आवाज दी है। हसन हुसैन का सिन बहुत काफी हो चुका था मगर इसके बावजूद जब अली दुनिया से जाने लगे तो साहबजादों से लिपट गए, लिपट गए, और बार बार कभी बड़े बेटे से लिपटते, कभी छोटे बेटे से लिपटते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हुआ है इमाम बाकर से लिपट गए, इमाम बाकर का जब इंतकाल हुआ है इमाम जाफर सादिक से लिपट गए, इमाम रिजा का जब इंतकाल हुआ है खुरासान में तो आवाज दी, आ जाओ बेटा, आ जाओ तकिए जवाब, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अबू सल्त हरवी बयान करता है, दरवाजे की जंजीर खुली और ए बेअख्तियार दरवाजा खुला और एक नन्ना सा साहिबजादा बाबा बाबा कहता हुआ हुजरे में दाखिल हुआ। मैं समझ गया कि इमाम तकिया जवाद आ गए। मगर दो इमाम ऐसे हैं कि जिनको ये मौका नहीं मिला कि वो बेटों से मिलते, एक को तो हसरत रह गई और एक पुकार न सका, एक को हसरत रह गई और एक पुकार न सका, हसरत रह गई इमाम हसन अस्करी को, बेटे को पुकार न सके। जान रहे थे कि जमाना दुश्मन है, जान रहे थे कि दुनिया निगरानी कर रही है, और जो पुकार न सका अपने बेटे को, अल्लाह वो आपका गरीब इमाम है, करबला की जमीन है, जलती जमीन पर हुसैन है। जान रहे थे के बेटा खेमे में है मगर आवाज न दे सके, याद बहुत आए सैयद सज्जाद मगर बेटे को आवाज नहीं दी, अलबत्ता 3 मरतबा कहा, अब्बास अब्बास अब्बास। हुसैन कहते हैं कब है आप मोमिन के जलाने के लिए, मगर नार से चढ़े तो जलाने के लिए।
दिल फाड़